नमस्कार, स्वयं में आप सबका स्वागत है। जब आप एक ऐसे क्षेत्र में पहचान बनाना चाहते हैं जो आपके खुद के व्यक्तित्व से ताल्लुक रखता है, तो ये बात कोई आसान नहीं होती। लोगों की टेढ़ी निगाहें और शुरुआती दौर में जो संघर्ष आते हैं, जल्दी ही आपको तोड़ने लगते हैं। इस संघर्ष में हार जाते हैं कुछ लोग, पर कुछ खुद का वजूद लोगों को मनवा कर रहते हैं। हमारी आज की मेहमान कुछ ऐसी ही हैं, चुलबुली हस्ती खिलखिलाती रूबी भाटिया। पर इस प्यारे से चेहरे के पीछे भी आत्मविश्वास की निष्कंप जलती हुई दीपशिखा है। रूबी दरअसल कनाडा में जन्मी है, वहाँ उन्हें इंडिया कनाडा ब्यूटी क्वीन का खिताब मिला और इसी ने उन्हें एक ललक दी मीडिया में अपनी जगह और पहचान बनाने की। रूबी हिंदुस्तान चली आई क्योंकि इनकी जड़ें तो कहीं इसी देश में थी। फिर शुरू हुआ प्रोडक्शन हाउसेज और एड एजेंसीज में जाने का दौर। आशा निराशा के बीच अपने आत्मविश्वास को घर परिवार से दूर रहकर जिंदा रखने का संघर्ष। पर कोई संघर्ष रूबी के खिलखिलाते हंसते चेहरे में कभी लकीरें नहीं डाल पाया और एक दिन उन्हें पहचान मिली। पर उन्हें जिस दिन एक शुरुआत मिली, उस दिन से रूबी ने पलट कर कभी नहीं देखा। उनके सफल कार्यक्रमों की पूरी लंबी सूची है। मॉडलिंग में भी उनका चेहरा पूरे जोश खरोश से मुस्कुराता दिखता रहा। ये मुस्कान थी एक नहीं हारने वाले आत्मविश्वास की। आइए बात करें रूबी भाटिया से। रूबी, शो में आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने का। इनफैक्ट इट्स एन ऑनर टू बी ऑन योर शो। थैंक यू, यू मोस्ट वेलकम। शुरुआत करते हैं आपके अपनी पर्सनालिटी से, व्यक्तित्व से। आपका नाम आते ही एक बहुत चर्पी, बहुत ज़्यादा बोलने वाली बबली लड़की का ख्याल आता है। बहुत ज़्यादा बोलने वाली। क्या आप वास्तव में वैसे ही हैं? हाँ, बोलती तो हूँ मैं, 24 घंटे मुंह बंद नहीं रहता जैसे कि। पर वो ज़्यादातर आपकी टीवी इमेज है। या एक्चुअली मैं बहुत ही लकी थी, मुझे ऐसा जॉब मिला जिसमें मैं अपना जो नेचुरल पर्सनालिटी है वो यूज़ कर सकी। लेकिन ऑफ कैमरा मैं काफ़ी सीरियस भी हूँ, लेकिन वो लोग वो पसंद नहीं करते वो एस्पेक्ट। तो मैं लोगों के साथ जब मिलती हूँ तो हंसती हूँ, हंसाती हूँ, उनको अच्छा लगता है। आप अमेरिका में पैदा हुई और आपकी परवरिश सारी कनाडा में हुई, उसके बावजूद हमने देखा कि आप में काफ़ी हद तक भारतीयता अभी भी नज़र आती है। आप हिंदी अच्छी बोल लेती हैं, क्या ये आपके घर के माहौल की वजह से, आपके माता पिता की वजह से है? जी बिल्कुल, लेकिन शुक्र है कि किसी ने ये बात देखी मेरे में, क्योंकि जब मैं शुरू में आई थी, पहले मेरे बाल बहुत लंबे होते थे। जैसे मैंने अपना जब पहला पोर्टफोलियो खिंचवाया था, उसमें मेरे बाल बिल्कुल इतने लंबे और घने, और धीरे धीरे बाल कटते गए, नथ भी होती थी, नोज रिंग। लेकिन यहाँ पर आके लोगों ने कहा कि नहीं, यहाँ पर वेस्टर्न इमेज आपको सूट करेगा, आप वेस्टर्न इमेज यूज़ करिए यहाँ पर। तो मुझे लगा कि शायद लोग अंदर से जानते नहीं कि फिर भी मेरा दिल है हिंदुस्तानी। लेकिन फिर भी आई थिंक जो NRIs होते हैं, जो वहाँ पर आउट ऑफ इंडिया जो रहते हैं, उनको ज़्यादा जोश होता है अपने कल्चर के बारे में सीखने का। तो मेरे मम्मी डैडी ने तो डंडा लेके मुझे मार मार के पढ़ाया, आ ई ई उ लिखना पढ़ना। ये मैंने कहा ये सब मेरे काम में कब आएगा, मैं तो कनाडा में रहती हूँ। लेकिन वही चीज़ आज बहुत काम में आई, उसी से मैंने अपनी ज़िंदगी बनाई है। जब आप कनाडा में थी तो 1993 में आपको मिस इंडिया कनाडा का टाइटल आपने जीता। इस कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का आपने कैसे सोचा? जब मैं 19-20 साल की हुई तो मम्मी ने कहा कि देख लो, अब तुम्हारा लास्ट चांस है, अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मिस इंडिया कनाडा में भाग ले लो। लास्ट चांस तो किस लिहाज से? मतलब अगर आप मॉडलिंग में जाना चाहते हैं तो एक उम्र होती है। अगर आप 25-26 के हो जाएं तो शायद, अगर आपका लक अच्छा है तो आप आ सकते हैं इस फील्ड में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेरी उम्र काफ़ी बढ़ती जा रही थी, मम्मी ने कहा कि तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो इसमें भाग लो, तुम्हारे चांसेस अच्छे हैं। मैंने कहा लो मम्मी ऐसा क्यों कह रही हैं, मुझे तो नहीं लगता था कि मेरे चांसेस अच्छे हैं। और वाकई मम्मी ने ठीक कहा और मैं जीत गई, और उसके बाद एक के बाद एक काम आने लगा। उसके बाद आप बॉम्बे आई और शुरुआती दिनों में आपको काम आसानी से मिल गया, या कुछ सो कॉल्ड स्ट्रगलिंग पीरियड भी था? जब मैं आई थी बेसिकली मैं कुछ भी नहीं थी, आई वॉज़ नो बडी। सिर्फ एक ये था कि जब मैं किसी से मिलना चाहती हूँ, अगर मैं बोलूँ कि मैं मिस इंडिया कनाडा हूँ, तो एक काइंड ऑफ स्टेपिंग स्टोन था, लोग मिलने को तैयार हो जाते थे। उसके बाद तो टैलेंट के ऊपर है, अगर आपके पास टैलेंट नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो इतनी अप्रोच नहीं थी मेरी, चाहे मैं मिस इंडिया कनाडा थी या नहीं। मेहनत बहुत की मैंने शुरू में। कोई भी अगर इस फील्ड में आना चाहता है तो उसको बस 1-2-3 ये स्टेप्स करने हैं। एक तो एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनवाना है। अब मेरा पोर्टफोलियो
काफ़ी फिल्मी टाइप का था, इतना बढ़िया नहीं था, लेकिन 10-15-20 हज़ार अगर आप एक लेडी हैं तो 15-20 हज़ार, अगर आप एक आदमी हैं तो 10 हज़ार तक का पोर्टफोलियो आपको बनवाना पड़ेगा। दैट इज़ योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। और फिर उसमें से 4 या 5 शॉट्स, इससे ज़्यादा नहीं, उनके पैकेट्स बनाओ, आप कॉपीज बनाओ और बांटते जाओ, उसके पीछे नाम और नंबर लिखो और बांटते जाओ। जितने लोगों के पास आप अपने फ़ोटोज़ पहुँचवा सकते हो उतना ही आपको काम मिलने का चांस है। तो मैंने यही किया और मैं सुबह 7 बजे उठती थी, 8 बजे घर से बाहर, एंड सीधा नारीमन पॉइंट चर्च गेट में एडवर्टाइजिंग एजेंसीज पे दरवाजे खटखटाना, जहाँ पर अपॉइंटमेंट है वहाँ पर अपॉइंटमेंट के साथ, नहीं तो यूं ही हेलो मुस्कुरा के बात करना। रूबी, वीजे के रूप में, एक वीजे के रूप में आपको बहुत पॉपुलैरिटी मिली और काफ़ी कम समय में मिली, और देखा गया कि आपने वीजेइंग को एक आर्ट फॉर्म की तरह उस आर्ट फॉर्म बना दिया, ऑलमोस्ट एक आप क्वीन ऑफ वीजेस कहलाने लगी। और ऐसा कहा जाता है कि अगर टीवी की हिस्ट्री लिखी जाएगी तो प्री और पोस्ट रूबी भाटिया के फेस की लिखी जाएगी। क्या बात है, आपको कैसा लगता है सुनके? थैंक यू सो मच, मजा आ गया आपकी बात सुन के। आप ये बताइए कि इतने कम समय में आपने इतनी पॉपुलैरिटी कैसे हासिल की? हे भगवान, आई डोंट नो, ये तो आप कहते हैं। आई थिंक संस्कार होते हैं, मेरे मम्मी डैडी ने मेरे मन में काफ़ी बातें डाली हुई हैं, लेकिन पापा ने एक कहावत कही थी, वो मैं शेयर करना चाहती हूँ आपके साथ, दोहा है या चौपाई है शायद रामायण की, कि देनदार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें तासो नीचे नैन। तो ये एक हाई थिंकिंग सिंपल लिविंग कहो आप, या फिर एक दूसरा भी है कि जू जू कर ऊंचा कर तासो नीचे नैन, समथिंग सिमिलर टू दैट। तो काम आपका अच्छा होना चाहिए, काम आप अच्छे से करो, आपकी नज़र ऊपर होनी चाहिए, लेकिन जब कोई तारीफ करता है तो नज़र नीचे होनी चाहिए। दैट्स रियली नाइस। रूबी, एक बात बताइए, एक छोटी सी लड़की जो 6 साल की थी, जिसने शर्मिला टैगोर और शशि कपूर की बेटी का रोल अदा किया था एक फिल्म में, दूर देश नाम था उसका, वो आप ही थी? जी, मैं वो भाई थी। दूर देश नाम था फिल्म का, उसके बाद शायद गहरी चोट के नाम से री रिलीज हुई थी वो। इतनी छोटी उम्र में आपने एक्टिंग की, इतना एक्सपीरियंस किया एक्टिंग का, उसके बाद कहाँ गुम हो गई? एक्टिंग मॉडलिंग भी की थी मैंने, एक मैगज़ीन थी जस्ट अबाउट मी, तो उसके कवर पर मैं आई थी, और थोड़ा बहुत एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट डांस भी सीखा मैंने, जैज़, टैप, बैले। इट गेव मी अ सॉलिड फाउंडेशन। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेल राउंडेड एज अ ह्यूमन बीइंग। जितनी कलाएँ होंगी आप में, अगर आपको गाना आता है, अगर आप डांस कर सकते हैं, तो हर चीज़ आप इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं धीरे धीरे। आपके स्ट्रगल पीरियड की हम बात कर रहे थे, तो आप सुबह जब जाती थी और शाम को आती थी, निराश होती थी जब काम नहीं मिलता था, उन दिनों आपको कैसा लगता था? नहीं, अगेन इट गोज़ बैक टू लाइक क्वोट समथिंग, कर्मण्य वा अधिकारस्ते, योर राइट इज़ टू वर्क, योर राइट इज़ नॉट टू गेट एनी रिजल्ट आउट ऑफ योर वर्क। तो अगर मैंने दिन में मेहनत की है तो आई हैव डन माई जॉब, अगर कुछ मिलता है तो भगवान की इच्छा है, और अगर नहीं मिलता है तो वो भी भगवान की इच्छा है। तो नेकी कर, दरिया में डालता जा, और एक ना एक दिन उसमें से फल तो निकलेगा ही निकलेगा, कैसे नहीं निकलेगा। आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं नहीं कर पाऊँगी और मुझे कैनेडा वापस चले जाना चाहिए? मेरे मन में हमेशा एक आश्वासन था मम्मी पापा का कि कभी कुछ हो गया, मैं तो सिर्फ यहाँ एक चांस लेने आई हूँ, अगर कुछ हुआ तो मैं वापस चली जाऊँगी, अगर नहीं, मतलब नहीं कर पाई, लेकिन मुझे करना था, क्यों नहीं कर पाऊँ मैं। आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है, एंड व्हाट आई वुड से, यू हैव टू हैव योर फंडाज राइट, यू हैव टू, जो भी आप करो आप दिल से करो और आप अच्छा करो, किसी को तकलीफ ना दो आप, और अगर आपका कॉन्शियंस क्लीन होगा ना तो आप हिम्मत कभी नहीं हारोगे, चाहे आप किसी भी सिचुएशन में होंगे। अगर आपका चरित्र ठीक है और आपको पता है कि आपने गलत काम नहीं किया, आपने सही ही किया है, चाहे आप कामयाब हों या नहीं, आप फिर भी अपने आप को संभाल पाओगे। यू विल नेवर हैव एन इमोशनल ब्रेकडाउन, बट व्हेन यू लूज सेल्फ कॉन्फिडेंस देन इट्स डिफिकल्ट। आप में हमेशा वो आत्मविश्वास था कि आप कर पाएंगी? बचपन से नहीं था, नहीं, बचपन में तो बिल्कुल कॉन्फिडेंस, आर्टिफिशियल कॉन्फिडेंस था स्टेज के ऊपर जाना और बोलना ये सब, लेकिन अंदर से आई डिडंट लाइक माई सेल्फ, एंड वाई शुड आई लाइक माई सेल्फ, आई डिडंट हैव गुड क्वालिटीज। पीपल से यू शुड बी योर सेल्फ, लेकिन यू शुड बी योर सेल्फ इफ़ यू हैव गुड क्वालिटीज। तो पहले आप अच्छे अच्छे क्वालिटीज जब आप डिवेलप करेंगे अपने में, ट्राइंग टू बी हम्बल, ट्राइंग टू बी हार्ड वर्किंग,
अनसेल्फिश, तो जब वो क्वालिटीज़ आप में आएंगी तो आप अपने आप से प्रेम करने लगेंगे एंड यू विल फील वर्दी ऑफ बीइंग लव्ड, देन द सेल्फ कॉन्फिडेंस विल कम एंड देन नथिंग कैन शैटर यू. रूबी, हम आपसे और भी बहुत सारी बातें करना चाहेंगे, आपके मामा पापा के बारे में भी बात करना चाहेंगे, उससे पहले लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक. रूबी, आपका लोएस्ट पॉइंट कौन सा रहा निराशा का, जब आपको लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता और आप एकदम डिप्रेस्ड हो गई? बहुत साल पहले जब बिल्कुल जब शुरू में आई ही थी, मैंने काम शुरू ही किया था, तो मैं अकेली रहती थी. मैंने ये तो कभी नहीं सोचा था मेड रखूँ या कोई खाना बनाए मेरे लिए. खुद बनाती थी, खुद करती थी सब कुछ. और एक समय रात को 10 बजे मैं घर आई और मुझे काफ़ी, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और खाना भी कुछ बना हुआ नहीं था और बस हिम्मत नहीं थी. मैं लेट गई घर जाके कि मैं नहीं उठ सकती और भूख के मारे मैं मरी जा रही थी. और मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, अब कौन देखेगा, मैं अकेली हूँ बॉम्बे में. तो मैंने कहा रूबी तुम्हें ही करना पड़ेगा, जो भी तुम करो लेकिन तुम्हें इस ऑब्स्टिकल को पार करना ही पड़ेगा. इट्स अप टू यू, इट्स योर लाइफ. इफ़ यू वांट यू कैन डाई हियर ऑन दिस बेड, नोबडी विल नो. थिंक क्या करना है. तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं खुद तो नहीं बना सकती हूँ, नहीं मैं नहीं कर सकती. देन आई हिम्मत करके मैंने अपने नेक्स्ट डोर नेबर का दरवाज़ा खटखटाया एंड मैंने अपना ईगो को बिल्कुल दबा दिया. मैंने कहा कि प्लीज़ आई एम नॉट फीलिंग वेल. मैं उसको जानती नहीं थी. भूख लग रही है, अगर आपके पास कुछ लेफ्ट ओवर हो, थोड़ी सब्जी दो रोटी, इफ यू डोंट माइंड. दैट्स रियली समथिंग. या लिटरली आई हैड टू आस्क, आई मीन इट वाज लाइक बेगिंग. इट वाज अ लो पॉइंट बट आई सेड नो, आई हैव टू ओवरकम दिस. ऐसे दिन आने वाले हैं लाइफ में, बट जब तक आप किसी से मदद मांगोगे नहीं, उनको कैसे पता लगेगा कि आपको ज़रूरत है, लोग हैं आपकी मदद करने के लिए. तो ये खाली एक काम ना मिलने की वजह से था या कोई ऐसी घटना हुई हो जिसने आपको टोटली डिप्रेस्ड या डिसल्यूजन कर दिया हो, ऐसी कोई घटना हुई जो आपको याद है? डिप्रेस और इल्यूजन का जो आपने बात की है, जी शुरू में जब मैं आई थी, मेरे माता पिता ने तो एक बात बचपन से सिखाई थी कि आई मीन नो कॉम्प्रोमाइजिंग, यू कैंट स्लीप विद समबडी टू गेट अ जॉब, दैट्स रिडिकुलस, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन मेरिट. एंड शुरू में जब मैं आई थी, एक बहुत बड़े एक सज्जन हैं जो जिन्हें मैं मेंटर समझती थी, उन्होंने कई बार इंडिकेशन दिया मुझे कि इस फील्ड में लड़कियां इधर उधर ऐसे करती हैं, वैसा करती हैं और तभी वो सक्सेसफुल हो पाती, क्योंकि इंडस्ट्री ही ऐसी है. फिर किसी और ने मुझे कहा कि जो तुम्हें ये बात कह रहा है वो खुद ऐसा है इसीलिए बोल रहा है ऐसे. और एक दिन उसने कह दिया कि आई एम अ लॉयल सन नॉट अ लॉयल हस्बैंड. एंड आई सेड ठीक है, यू माइट बी व्हाट यू आर. और साथ साथ में उसने ये भी कहा कि रूबी यू आर सो एम्बिशियस, यू कैन नॉट अचीव व्हाट यू वांट टू अचीव द वे यू वांट टू अचीव इट. You will have to compromise one day or the other. And I said, well, then you know what? I don't want it. Main wapas Canada jaungi. Wahan par mere paas apni respect hai, dignity hai. I have a good reputation there. Why should I compromise anything here? On what I believe in. Just for what? For fame, money, name? Nahi chahiye mujhe. Agar acche se mil sakta hai to karungi, nahi to nahi chahiye. At the same time, I maintained a good relationship with him. But I was staunch. And I think वहीं पर एक सपोर्ट स्ट्रक्चर वाली बात हो जाती कि माँ बाप मेरे हमेशा थे. अगर मैं आज तक कुछ ऐसी बात हो जाए कि मैं नहीं कर पाऊँ, दे आर देयर फॉर मी, आई कैन ऑलवेज पैक माई बैग्स एंड गो बैक होम. पर ये आपके पास सपोर्ट है, उन लोगों का क्या जिनके पास वो सपोर्ट नहीं है और पॉसिबली ये सब उनको करना पड़ता है, उनके बारे में आप क्या सोचेंगे? अगर आप टैलेंटेड हैं, चाहे आप शादीशुदा हैं, चाहे आपके पास 4 बच्चे हैं, चाहे आप मॉरल हैं, इमॉरल हैं, रिलीजियस हैं, नॉन रिलीजियस हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. अगर आप टैलेंटेड हैं, स्क्रीन पे आप अच्छा काम कर सकते हैं, तभी आपको अच्छा काम मिलेगा. हो सकता है शुरुआत में इधर उधर कुछ करने से आपको एक एंट्री मिल जाए, लेकिन एंट्री के बाद द पब्लिक हैज़ टू लाइक यू एंड इफ़ यू आर गुड यू विल सक्सीड. सो यू हैव टू कल्टिवेट योर टैलेंट एंड इन फैक्ट यू विल डू वेरी वेल बिकॉज यू विल बी फोकस्ड. So focus is the key to any kind of success, according to you. बिल्कुल. रूबी ये बताइए, जब आप निराश हुई तो कभी किसी का सहारा मिला, कोई ऐसी दोस्त या किसी के पास आप जाके आप अपना दर्द बांट सकी उस समय? डेफिनेटली, मतलब अगर ऐसे लोग नहीं होते थे लाइफ में तो बड़ा मुश्किल हो जाता था. लेकिन उससे भी बढ़कर एक जब सिचुएशन में आप अपने आप को पाते हैं, यू हैव टू थिंक हाउ कैन आई गेट आउट ऑफ दिस, हाउ डू आई ओवरकम दिस.
अगर आप गिव अप कर देंगे तो फिर आप नहीं, आप कामयाब नहीं हुए। ये बताइए कि आपने सबसे पहले जब कैमरा फेस किया तो आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ कि आप सक्सेसफुल हो पाएंगी? पहली बार जब मैंने कैमरा में देखा तो मैं हिल रही थी। नहीं, वो इसलिए क्योंकि हम बोट के ऊपर शूटिंग कर रहे थे। लेकिन वो अच्छा था क्योंकि हिलने की वजह से मैं जो अंदर से जो कांप रही थी वो दिखाई नहीं दे रहा था। बहुत, मैं तो बिल्कुल पानी पानी हो गई थी, क्या बोलूँ मैं। 14 टेक किए मैंने फॉर द फर्स्ट टेक, और टेक काफ़ी मुश्किल था। स्क्रिप्ट में बहुत डिटेल में बातें लिखी हुई थी उन्होंने, टाइमिंग, शो टाइमिंग्स, एंड दुबई में ये टाइम, एंड अगर आप हांगकॉन्ग में रहते हैं तो ये टाइम। तो इट वॉज डिफिकल्ट, इवन टुडे आई वुड टेक 5 or 6 टेक्स टू डू इट। लेकिन अगेन, एक बात जो पापा ने बताई थी मुझे, जब मैं 14 साल की थी और हाई स्कूल का पहला दिन था 9th स्टैंडर्ड में, पापा मुझे छोड़ने गए और गाड़ी में बस आई वॉज जस्ट अबाउट टू से बाय, और मैंने देखा इतने बड़े बड़े बच्चे वहाँ पर घूम रहे हैं। मैंने कहा हाय राम, मैं तो 9th में हूँ, मुझे तो सब यहाँ रैगिंग करेंगे। मैंने कहा मैं नहीं निकल रही गाड़ी से। डैड ने कहा क्या हुआ, ट्रैफिक जैम हो गया। डैड ने कहा क्या कर रहे हो, निकलो। मैंने कहा मैं नहीं निकल रही, मैं यहीं पर बैठी रहूँगी। डैडी ने कहा ठीक है तुम जाओ, किसी को क्या पता कि तुम पहली बार आई हो यहाँ पर, बी कॉन्फिडेंट, एक्ट एज इफ यू आर कॉन्फिडेंट, यू नो, इट्स लाइक बी लाइक अ डक ऑन द सर्फेस, अपीयर कॉम एंड अनरफल्ड, एंड अंडरनीथ द सर्विस पैडल लाइक हेल, यू नो। सो अंदर से चाहे आप पानी पानी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ऊपर से आपको दिखाना है कि आप कॉन्फिडेंट हैं और आप कर सकते हैं, और धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो जाओगे। रूबी, एक बात बताइए, वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में हम अक्सर बात करते हैं इधर उधर, स्वयं शक्ति संपन्न बनाना महिलाओं को, उसके बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं? उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, आपके क्या व्यूज़ हैं? आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि लेडीज़ जो हैं जितना हो सकता है वो सीखें, कार कैसे चलाते हैं, फाइनेंशियल अपना जो काम है, चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठना, पूरा समझना इकोनॉमिक्स के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, आप सीखो दुनिया में कि आप अपने हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट ना बन जाओ, क्योंकि हस्बैंड भी आपको रिस्पेक्ट करेगा। अगर आप कमा सकते हो तो थोड़ा बहुत साइड इनकम आपकी होनी चाहिए, एंड यू यूज़ इट फॉर योरसेल्फ और फॉर योर फैमिली, दैट्स अप टू यू। लेकिन आपको एक सेल्फ सफिशिएंसी हो जाएगी। मेरे मन में हमेशा ये बात होती थी कि मुझे अपने आप को संभालना चाहिए, क्योंकि कभी भी हो सकता है कि आपके हस्बैंड गॉड फॉरबिड मर जाएं या कुछ हो जाए, उन्हें डिवोर्स हो जाए। मेरे साथ तो हुआ, बाय चांस हो भी गया साथ में, और उस समय अगर मैं अपने आप को बिल्कुल अकेली पाऊँ, आई शुड बी एबल टू सर्वाइव, आई शुड नो हाउ टू सर्वाइव, आई शुड नॉट फील कि मैं बेबस हो गई हूँ। तो इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। रूबी, और आपसे बात जारी रखेंगे, पहले ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। रूबी, कई वीजेज और मॉडल्स हमने देखा अक्सर फिल्मों में एक्टिंग करना शुरू करते हैं, पर आपने नहीं किया, ऐसा क्यों हुआ? मुझे एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है फिल्मों में। जैसे कि मैंने आपको कहा, मुझे एंकरिंग ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि एंकरिंग में मैं अपना भी डाल सकती हूँ, आई कैन बी माई सेल्फ एंड आई कैन एक्सप्लोर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ माई सेल्फ, फनी, सीरियस, इमोशनल, इंटेंस, जो भी। फिल्मों में आपको वही किरदार करना पड़ता है जो आपको बताया जाता है, वो भी ठीक है, बट टेलीविजन, would you rather be yourself? I'd rather be myself and I'd rather be on television because I think it's a very powerful medium. Reaches out to many more people. Many more people. और लोगों को एक टेलीविजन स्टार्स के साथ एक अपनापन होता है, जैसे कि ये तो हमारे बेडरूम में, मतलब या लिविंग रूम में बैठ के हमारे साथ बातें करती है, लार्ज स्क्रीन पे फिर वो एक यू गेट फार रिमूव फ्रॉम द पीपल एंड आई वॉन्ट टू बी क्लोज टू द पीपल। एक बात बताइए रूबी, आपके अब परिवार वाले सब कनाडा में हैं, बम्बई में आप रहती हैं अक्सर, तो यहाँ कोई ऐसा है जिसको आप अपना समझती हो? बस वही जो 7 साल पहले जिसने मुझे खाना खिलाया था उस रात को, माय नेक्स्ट डोर नेबर, शी इज़ नाउ माय बेस्ट फ्रेंड, हर नेम इज़ शुभ्रता, और उसे मैं मतलब सिस्टर कहती हूँ, बेस्ट फ्रेंड से वो बात नहीं होती, आई कॉल हर माय राखी सिस्टर, एंड शी इज़ ग्रेट, शी इज़ फुल ऑफ लाइफ, शी इज़ ऑलवेज, शी टीचेस मी हाउ टू लाफ एंड शी इज़ 24 hours सपोर्ट फॉर मी, विदाउट हर आई डोंट थिंक आई कुड लिव हियर। तो खाली समय में उसके साथ आप हंसी मजाक करते हैं? हंसी मजाक करते हैं, जोक्स बताते रहते हैं एक दूसरे को। हमें भी बताइए, हम भी सुनना चाहेंगे आपका कोई जोक ऐसा हो तो। जोक? बड़े जोक? ओके ठीक है, आई टेल यू माय फेवरेट जो आजकल मेरा चल रहा है जोक। जंगल में एक बार शेर ने अपनी बारात निकाली, शेर की शादी थी, और जानवर कूद कूद के नाच रहे थे, सोचो जानवर कैसे नाचते हैं। और एक चूहा था,
तो वो भी बहुत जोर से डांस कर रहा था, बहुत खुश होके उछल रहा था. तो दूसरे जानवरों ने कहा कि तुम इतने खुश क्यों? कहते मैंने नच लेन दे. अच्छा, ही वाज अ पंजाबी चूहा. मैंने नच लेन दे, देन ही वाज डूइंग यू नो भांगड़ा इन दिस लिटिल चूहा. तो किसी का ये इतना खुश क्यों है? कहते है, अरे भाई मेरे भाई की शादी है, तू तो चूहा है, तेरा भाई शेर कैसे हुआ? कहते शादी से पहले मैं भी शेर था. That's really nice. We all know what that means. Ruby, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और अंत में जो आपने हंसाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you for being with us on the show. Ruby ने अपने लिए, अपने जीवन के लिए जो राह चुनी थी उसे ढूंढती हुई कनाडा से हिंदुस्तान आई और एक नए परिवेश में एक नई शुरुआत की. जीवन में उसकी परिभाषा ढूंढी और अपने ढंग से जो मंजिल पानी थी उसे ढूंढी लिया. उनकी यात्रा निरंतर आगे बढ़ती रहे, यही हमारी कामना है.